हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट का एक और पॉइंट, लक्ष्य, मूल्य और स्तर, ठीक है, जिसे कि हम लोग गोल, वैल्यू एंड स्टैंडर्ड भी कहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं उन लोगों के नाम बताना चाहूँगी जिन्होंने कल की वीडियो पर मुझे कमेंट किया था। तो वो नाम है पल्लवी शर्मा, गीता यादव, सिंधु शुक्ला और वंशिका। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए और कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन है एक कि मैम आपकी टीचिंग मेथड, गीता यादव ने पूछा है कि आपकी टीचिंग मेथड बहुत अच्छी है, एक रिक्वेस्ट है कि पेपर का क्वेश्चन को रीडिंग करके बताएं। ठीक है, मैं इसको लिख के ही अब आपको दिखाऊंगी, ठीक है, जिससे कि आप क्वेश्चन के आंसर एकदम आराम से दे सके और मैं इसको रीडिंग भी करूँगी। ठीक है, अब भी तो आपको ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद ही सेशन स्टार्ट करेंगे, जिससे कि जब तक सेशन ख़त्म हो आपको सारे आंसर्स मिल जाए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए फिलिंग द ब्लैंक्स है, जीवन को अर्थ देता है, जीवन को अर्थ देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2016 में। ऑप्शन है लक्ष्य, दूसरा मूल्य, तीसरा मानक और चौथा धन। अब इनमें करेक्ट कौन सा है ये आप लोग बताइएगा और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है दीर्घ अवधि लक्ष्य होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है TGT 2016 में। तो ऑप्शन है ए स्थाई, बी अस्थाई, सी लचीला, डी नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है ज्ञान है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, ज्ञान है, ये पूछा गया है TGT 2005 में। ऑप्शन है मानवीय स्रोत, बी गैर मानवीय स्रोत, सी दोनों या डी नन ऑफ एबव, यानी इनमें से कोई नहीं। हमारा चौथा क्वेश्चन है मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, ठीक है, मानव व्यवहार में प्रेरणा तत्व है, क्या है बताइएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है PGT 2013 में। ऑप्शन है ए मूल्य, बी स्तर, सी लक्ष्य और डी ऑल ऑफ एबव। ठीक है, तो आप लोग आंसर इसका कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, आज का सेशन है, आज हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ठीक है, ये पॉइंट देखने में तो बहुत ही आसान लगते हैं, लेकिन जब इसे क्वेश्चंस निकल आते हैं तो हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसका आंसर कैसे होगा, इसलिए डीप नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मूल्य। ठीक, ऐसे तो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है, तीनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन जो सेंटर में है, इन तीनों के जो सेंटर में है वो है हमारा मूल्य, हमारा मूल्य इन तीनों के केंद्र में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूल्य, मूल्य से ही जो है लक्ष्य बनते हैं और लक्ष्य से ही स्तर का निर्धारण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, किसको, वैल्यू को, मूल्य को। ठीक है, अब ये वैल्यू या मूल्य होता क्या है, तो ये होता है हमारा कल्चर। ठीक है, हमारा कल्चर हर कल्चर की अलग अलग वैल्यू होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा कि हर कल्चर हमें कुछ ना कुछ सिखाता है और अच्छा ही सिखाता है, हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसका कल्चर अच्छा नहीं है या उसका कल्चर अच्छा है। ठीक है, तो या सारे कल्चर, सारी संस्कृति हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखाती है। उद्देश्य सारे कल्चर का, सारी संस्कृति का केवल एक उद्देश्य होता है, अच्छा मानव बनाना। ठीक है, अच्छा मानव बनाना सारे कल्चर का उद्देश्य होता है, भले ही नियम अलग हो, विधि अलग हो, तरीके अलग हो, लेकिन मोटो एक होता है, टारगेट एक होता है। ठीक है, अच्छा मानव बनाना। तो मूल्य है जो हमें मिलता है कहाँ से, हमारी संस्कृति से मिलता है, और किससे मिलता है, तो मूल्य मिलता है हमारे परिवार से, हमारे समुदाय से और हमारे विद्यालय से। तो ये है मूल्य प्राप्ति के जो है सोर्स, कहाँ से मिलते हैं, सबसे पहले मिलता है हमें हमारा परिवार से। ठीक है, हमें हमारे परिवार से। फ्रेंड्स एक छोटा सा एग्जांपल से मैं इसका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर करना चाहूँगी, जैसे कि क्या होता है कि जो मैरिज होती है, आप सभी मैच्योर हैं, एग्जांपल मैं दूंगी आप सभी को समझ में आ जाएगा। जैसे कि क्या होता है, लव मैरिज अनसक्सेसफुल होता है जो है अरेंज मैरिज की अपेक्षा लव मैरिज जो है अनसक्सेसफुल होता है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न है वैल्यू। ठीक है, लव मैरिज में क्या होता है, इंटरकास्ट मैरिज
ज़रूरी नहीं है कि इंटरकास्ट की मैरिज है, लेकिन दो अलग अलग ऐसे परिवार मिलते हैं जिनका कल्चर अलग होता है, जिनके वैल्यू अलग होते हैं। स्टार्टिंग में तो सब अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन जब शादी हो जाती है आफ्टर मैरिज क्या होता है, वो वैल्यू वो कल्चर आपस में टकरा जाते हैं। टकराने से क्या होता है, टकराने से सबके स्वाभिमान को चोट पहुँचती है, चोट पहुँचती है, वही जो है विवाह को तोड़ने का कारण बनता है, ठीक है। और अरेंज मैरिज में क्या होता है कि जब पेरेंट्स जो है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने कल्चर के, अपने वैल्यू के अकॉर्डिंग फैमिली ढूंढते हैं, ठीक है। तो जब कल्चर ही नहीं टकराएगा, वैल्यू ही नहीं टकराएंगे, तो क्या होगा, जो मैरिज वो हो सक्सेसफुल होगी, ठीक है। अभी अब एक एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि वैल्यू क्या है, कि वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारा कल्चर है, हमारा कल्चर, ठीक है। हर कल्चर की अलग अलग वैल्यू है, लेकिन मोटो सिर्फ एक है, अच्छा मानव बनाना। आई थिंक यहाँ पे आपको वैल्यू जो है समझ में आ गया होगा, वैल्यू हमारा जड़ है, हमारा बेस है, और वैल्यू ही अगर अच्छी होगी तो हमारे लक्ष्य अच्छे होंगे, लक्ष्य अच्छे होंगे हमारे जीवन का स्तर भी ऊंचा ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारे के केंद्र में, इन सब के केंद्र में क्या है, मूल्य है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम लोग लक्ष्य को। तो फ्रेंड्स चलिए डिस्कस करेंगे, अपना अगला पॉइंट है लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य क्या है, जो हम हमारे द्वारा, यानी व्यक्तिगत लक्ष्य भी बनाए जाते हैं और परिवार द्वारा भी बनाए जाते हैं और समूह द्वारा भी बनाए जाते हैं। तो लक्ष्य कई तरह से निर्धारित किए जाते हैं, जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करे, यानी जो व्यक्ति अपने लिए, अपने स्वयं के लिए कुछ करना चाहता हो तो उसको व्यक्तिगत लक्ष्य कहते हैं, ठीक है। और परिवार की सुख सुविधाएँ अच्छी चीज़ों के लिए किया जाए तो वो पारिवारिक लक्ष्य, और इसी तरीके से समुदाय की भलाई के लिए किया जाने वाला लक्ष्य क्या हो जाता है, सामुदायिक लक्ष्य, ठीक है। तो हर इंसान का कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में मोटो होता है, टारगेट होता है, बिना इसके जीवन जीना असंभव है, भले ही वो छोटी छोटी ही हो, लेकिन हर इंसान का अपना अलग लक्ष्य होता है जिसको पाने के लिए वो निरंतर प्रयास करता रहता है। जैसे अभी हम सभी का मोटो ये है, आप सभी लोगों का ये लक्ष्य होगा कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे कि हमारी लाइफ सेट हो जाए, उसी के लिए आप लोग दिन रात इतनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्रेजेंट टाइम का लक्ष्य है, इसको कि गवर्नमेंट जॉब में एक सीट अपने लिए पक्की करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारे जीवन का लक्ष्य, और इसके लिए निरंतर हम लोग प्रयत्नशील हैं, आप भी और मैं भी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लक्ष्य हो गया। अब देखिए लक्ष्य तो जीवन और निर्धारित कहते हैं, मूल्य हमारे वैल्यू, हमारे मूल्य हमें सिखाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य कैसा होना चाहिए और उनको किस तरीके से प्राप्त करना चाहिए। तो लक्ष्य जो है कौन निर्धारित करता है, हमारे मूल्य निर्धारित करते हैं, ठीक है। तो अब डिस्कस करेंगे कि लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है दीर्घावधि लक्ष्य, यानी लॉन्ग टर्म, और दूसरा होता है शॉर्ट टर्म। इनको, इन दोनों को ऐसे भी आप समझ सकते हैं, जैसे कि एक फैमिली है, वो अपने लिए एक अच्छा मकान चाहती है, ठीक है। एक फैमिली अपने लिए अच्छा मकान चाहती है, तो ये उसका टारगेट है, ये कैसा लॉन्ग टर्म टारगेट है, उसके लिए उसको अलग अलग तरीके से, प्रोसेस से, उसे कई सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, कई साल लग जाएंगे, तब जाके वह एक अच्छा घर अपने लिए ले सकेगा। तो ये क्या है, ये एक लॉन्ग टर्म डिसीज़न है, यानी कि लंबी अवधि, यानी दीर्घकालीन लक्ष्य है। ये क्या होते हैं, ये स्थाई होते हैं। फ्रेंड्स एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि लक्ष्य क्या होते हैं, स्थाई, अस्थाई, लचीला, या फिर नन ऑफ अबव। तो उसमें क्या था कि जो आयोग ने उत्तर दिया है, आयोग ने अपने आंसर में बताया कि दीर्घ अवधि लक्ष्य जो है वह अस्थाई होते हैं, लेकिन जो किताब में है आंसर, जो किताब में बताया गया है कि दीर्घकालीन अवधि क्या होते हैं, वह स्थाई होते हैं। यही देखिए कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं कि आंसर जो है वह कैसे गलत हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है, जो आयोग द्वारा हो ही जाती है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो दीर्घ अवधि लक्ष्य होते हैं वह स्थाई होते हैं, किताब में यही है। तो आप लोग भी चाहे तो चेक कर लीजिएगा अपनी बुक से लक्ष्य में, ठीक है। मुझे डाउट था, मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे देखें कि दीर्घावधि लक्ष्य क्या होते हैं, वो स्थाई होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे सामने हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, हमें ये पाना है, हमें ये करना है। जैसे अभी हम लोगों का मोटो है कि एक TGT या PGT या LT ग्रेड या होम साइंस की किसी भी एक गवर्नमेंट जॉब में अपने लिए एक सीट पक्की करना, ये हमारा क्या है, प्रेजेंट टाइम का लॉन्ग टर्म
दीर्घकालीन अवधि के लिए ये लक्ष्य है। अभी इसको पाने में हमें 6 महीने, जब भी वैकेंसी आएगी इसमें से 1 सीट अपने लिए हमें पक्की करनी है। तो ये हमारा दीर्घकालीन जो है लक्ष्य है, और इसी से जोड़ के हम लोग जो है अल्पकालीन लक्ष्य को भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि दीर्घकालीन लक्ष्य जो है वो एक दिन में तो पाया नहीं जा सकता, एक दिन में नहीं पा सकते। तो इसके लिए हमें रोज़ छोटे छोटे लक्ष्य बना के, रोज़ छोटा छोटा टारगेट बना के जो है बढ़ते 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 फिर अपना जो मेन लक्ष्य है उसको पाना। जैसे कि अभी हम लोग का एक लंबा लक्ष्य है एक गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, उसके लिए रोज़ हम लोग एक चैप्टर एक टॉपिक इस तरीके से करके कंप्लीट कर रहे हैं। छोटे छोटे स्टेप में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ का रोज़ छोटे छोटे स्टेप, छोटे छोटे डिसीजन, ठीक है, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करके उनको पाके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इससे क्या होगा, एक दिन का बर्डन भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे करके हम अपने लक्ष्य को पा लेंगे। ठीक है, तो आई होप अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि दीर्घकालीन अवधि लक्ष्य क्या होता है और अल्पकालीन या फिर शॉर्ट टर्म लक्ष्य क्या होता है। और जो मैंने अभी बताया कि जो पेपर में दिया गया था कि वो अस्थायी होते हैं, लेकिन किताब में दिया है स्थायी, इसको आप लोग खुद से भी आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्तर। फ्रेंड्स चलिए अब हम लोग देखेंगे, लास्ट डिस्कस करेंगे स्तर के बारे में। ठीक है, अब स्तर के बारे में देखिए दो डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। निखिल एवं डॉर्सी का डेफिनेशन, स्तर मूल्य के मापक हैं। डेफिनेशन तो बहुत बड़ा है लेकिन ये कीवर्ड है इनका, ठीक है, स्तर जो है मूल्य के मापक हैं। कैसे, जो स्तर है वो मूल्य के मापक है, यानी कि किसी व्यक्ति का लाइफ स्टाइल कैसा है ये कौन डिसाइड करता है, यह डिसाइड करता है उसकी वैल्यू। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि वो कितने अच्छे से रह रहा है, कितने अच्छे से बात कर रहा है, कितने अच्छे तरीके से उसका रहन सहन है, वो तो वो कैसे है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली से वो वैल्यू मिले हैं। ठीक है, वो उसकी फैमिली से उसको वैल्यू, वो मूल्य मिले हैं जिससे कि उसका जीवन स्तर उस तरीके का है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो स्तर होते हैं वो मूल्य के मापक होते हैं। ठीक है, किसी का स्तर कैसा है वो कौन निर्धारित करेगा, उसकी वैल्यू, उसके कल्चर, उसके मूल्य निर्धारित करेंगे। नेक्स्ट है ग्रॉस एवं क्रैंडल के अकॉर्डिंग, इन्होंने कहा है कि स्तर उस सीमा को निर्धारित करते हैं जहाँ तक कोई व्यक्ति या परिवार लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य करने के लिए तैयार है। इनका ये मानना है कि जैसे हम अपना एक गोल निश्चित कर लिए, लक्ष्य निश्चित किए कि हमें क्या करना है, इसके लिए हमें बहुत सारे त्याग करने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो हमारे लक्ष्य तक पहुंचने का जरिया है, तरीका है या फिर साधन है। ठीक है, तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, और जो चाहते हैं वो काम तो करना पड़ता है। तो लक्ष्य उस सीमा को निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो गलत और सही का फर्क भी हमें कौन सिखाता है, हमारे लक्ष्य सिखाते हैं और बताते हैं, हमारे जो मूल्य हैं वो बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से हम लोग चलें कि अपने लक्ष्य को पा सकें, कौन सा रास्ता ऐसा चुने जिससे कि हम लोग आसानी से अपने लक्ष्य को पा सकें। आसानी के चक्कर में गलत रास्ता नहीं अपनाना है। ठीक है, ये हमारे निर्धारित करता है हमारे मूल्य। तो इस तरीके से ये तीनों, इन तीनों को एक साथ अगर आप डिस्कस करेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, अलग अलग पढ़ने से नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप जो है मेरा ये आज का सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में। ठीक है, जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े और जो है इसको आगे बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज उनको मिले। ठीक है, अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि LT का वैकेंसी, उत्तराखंड के LT की वैकेंसी जो है वो आ गई है। तो अभी उत्तराखंड की आई है, जल्द ही UP की भी आ जाएगी, तो आप लोग प्रिपेयर करिए, एक दिन में ये नहीं मिलेगा। ठीक है, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा रोज़ का रोज आप अपना डेली अपना कुछ लक्ष्य बनाइए कि आज मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो एनी हाउ आप कंप्लीट करिए, नहीं करेंगे तो इतने बड़े लक्ष्य को नहीं पा सकेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।